एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 17 मामले आए सामने। भोपाल में फिर 9 नए केस सामने आए। इंदौर में 5, प्रदेश में 124 एक्टिव मामले। छोटे शहरों से भी अब सामने आ रहे हैं मरीज। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में बोले सीएम शिवराज, अभी कुछ भी नहीं होगा बंद, लेकिन कोरोना से रहें सावधान। सरकार का भोपाल, इंदौर और जबलपुर पर ज्यादा फोकस। दबे पांव आ रहा है ओमिक्रॉन, लोग हैं बेखौफ। बाजारों में सहलग की भीड़, ना मास्क नजर आ रहा है ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। तीसरी लहर से निपटने के इंतजाम नाकाफी, अभी तक नहीं बने पीडियाट्रिक आईसीयू। तस्वीरें ग्वालियर की। ग्वालियर में इलेक्ट्रीशियन की हत्या, पुलिस ने कहा नफरत इतनी कि 13 बार सीने में घोंपा खंजर। अवैध संबंध सहित कई बिंदुओं पर जांच जारी। जबलपुर आरटीओ ने खोली पुलिस की पोल, ऑटो ड्राइवर को धमकाया, बोले पुलिस जैसे चाकू रख जेल भेजती है वैसे ही 100 ग्राम गांजा रखवा दूंगा। वीडियो वायरल। आरओ डंपर की भिड़ंत, मंदसौर से रतलाम शादी में शॉपिंग करने आ रहा परिवार हादसे का शिकार, 4 घायल, 1 की हालत गंभीर। सागर में कार्ड गैलरी की गोदाम में लगी भीषण आग, कार्ड और मशीनें जली। सकरी गलियां होने से आग पर काबू पाने करना पड़ा मशक्कत, करीब 5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। कोरोना संक्रमण को लेकर सागर प्रशासन अलर्ट, बीएमसी में 200 बिस्तरों पर होगी ऑक्सीजन की व्यवस्था, 3000 लोगों की रोज कराई जाएगी आरटीपीसीआर जांच। भिंड में बस ट्रक में भिड़ंत, लहार से भिंड जा रही थी बस, सामने से आ रहे ट्रक चालक को आई नींद, हादसे में 18 लोग हुए घायल। बुरहानपुर में घर में घुसा तेंदुआ, रात 9 बजे अचानक घर के बरामदे में तेंदुए ने दी दस्तक, घर के लोग डरे, 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद विभाग ने पकड़ा। सागर बनेगा वाटर पॉजिटिव सिटी, शहर का वाटर स्कोर कार्ड तैयार कराने, स्मार्ट सिटी और जल स्मृति फाउंडेशन करेंगे काम। यूएनओ के तहत विकास के 17 लक्ष्यों में से 4 लक्ष्य पूरे करने का किया जा रहा है प्रयास। सागर में एलिवेटेड कॉरिडोर फेज 2 की डीपीआर बनाने के निर्देश, सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। SR1 के निर्माण में बाधक बन रहे अतिक्रमण हटाए जाएंगे।